हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो लड्डू गोपाल की छठी पर है कि हम लड्डू गोपाल की छठी किस प्रकार बनाएं। देखिए दोस्तों, जब से हमने ये चैनल ओपन किया है, अब ये हमारे चैनल पर तीसरी ही जन्माष्टमी हो गया, तो तीसरी होगी या चौथी होगी, ठीक है? क्योंकि हमने अपना चैनल जो है वो जुलाई में स्टार्ट किया था और उसके बाद से फेस्टिवल चल ही रहे हैं। तो जुलाई 2019 में शायद मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद से तो चूँकि फर्स्ट जन्माष्टमी हमने निकाली, फिर 20 की, 21 की, 22 की, 24 हो गई, चौथी जन्माष्टमी जो है हमारे चैनल पर है। तो छठी के बेसिकली मैं कहना ये चाह रही थी कि छठी की डिटेल में हमारे चैनल पर बहुत बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। मैंने छठी की पूजा करके भी दिखाई है, और छठी की पूजा मैंने इसे बोल कर भी बताई उसे, क्योंकि फिर भी लोगों को कॉमेंट रहता, दीदी फिर भी बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, कुछ कह तो नहीं गया है। तो ये बेसिकली उस पर जो है वो आधारित है, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि चैनल है, नए लोग जुड़ते जाते हैं, पुरानी वीडियो पीछे छूट जाती हैं, लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो सबको जो है वो फिर से रिपीट में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली छठी क्या है, छठी हर व्यक्ति के यहाँ नहीं मनाई जाती। छठी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेके छठवें दिन बाद हम उसकी छठी मनाते हैं, उसे हम छठियार छठी कहते हैं। बेसिकली तो छठी ये है, उसके साथ कहीं कहीं कुआ पूजन की रस्म है। तो अगर आपके कुल में, आपके घर में अगर छठी की परंपरा है तो आप जरूर मनाएं, लेकिन अगर ये परंपरा नहीं है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि फिर आप ना मनाएं। अगर परंपरा चली आ रही है, आपके यहाँ बच्चों की छठी मनाई जाती है, जैसे हमारे घर में मनाई जाती है, तो अगर छठी की परंपरा चली आ रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो ठीक ही है। और अगर नहीं चली आ रही है, आप नई शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी नई मत शुरू करिए, जो कुल की परंपराएं चली आ रही है उनको निभाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। छठी में होता क्या है, छठी में जैसे कि लड्डू गोपाल का जब जन्म करवाते हैं हम लोग, जन्माष्टमी जब मनाते हैं, तो जन्माष्टमी से छठी तक हम लड्डू गोपाल को अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर छठी मना रहे हैं तो जन्माष्टमी की रात के बाद से छठी तक उन्हें अनाज का भोग नहीं लगेगा। आप आलू का हलवा बना के लगा सकते हैं, रवे वे टाइप की चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन अनाज का भोग नहीं लगेगा, गेहूं का नहीं लगेगा, सब्जी पूड़ी का भोग नहीं लगेगा, सब्जी रोटी पराठा ऐसा भोग नहीं लगेगा, फल लगेगा, फलाई मिठाई का लगा दीजिए, दूध लगा दीजिए, शहद वगैरह, शरबत वगैरह, ये सब भोग में लगेगा, लेकिन पक्का भोजन, कच्चा भोजन भोग में नहीं लगाया जाएगा। छठी वाले दिन सुबह में उठकर स्नान इत्यादि करके, ये फेस्टिवल जो है बेसिकली ये दोपहर का है, सुबह से लेके आप इसे दोपहर के बीच में कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में ये नहीं किया जाता है। क्योंकि छठी बेसिकली बच्चों की मनाते हैं, उन्हें दूध में नहलाया जाता है, इसलिए ये रात में दूध में नहलाने से उन्हें ठंड लग सकती है, इसलिए ये फेस्टिवल हम दिन में मनाते हैं, ठीक है ना? शाम में भजन कीर्तन कर सकते हैं, भजन रख सकते हैं, कीर्तन रख सकते हैं, नाच गाना कर सकते हैं, लेकिन ये छठी का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये दिन में मनाया जाता है। तो सुबह में आप स्नान कर लीजिए, अच्छे से स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाइए, जैसे बेसिक आप मंदिर की साफ सफाई करते हैं वो कर लीजिए, पूजा पाठ के लिए अपना मंदिर एकदम तैयार कर लीजिए, एक अच्छे से स्थान को साफ कर लिए, और उस स्थान पे एक बर्तन में दूध ले लीजिए। ये दूध प्योर होता है, इसमें पानी नहीं मिलाते, कहीं कहीं 1.25 लीटर होता है, कहीं कहीं जितना आपकी क्षमता हो आप उस हिसाब से दूध को ले लें। और लड्डू गोपाल के संपूर्ण वस्त्र निकाल कर हम इस तरीके से हाथों में लड्डू गोपाल को लेके दूध में ऐसे डुबो के जो है वो, कहीं कहीं 3 बार डुबोते हैं, कहीं कहीं 6 बार डुबोते हैं, कहीं कहीं 11 बार डुबोते हैं, तो मेरे यहाँ 3 बार का चलन है, तो मैं 3 बार लड्डू गोपाल को ऐसे दूध में डुबो के ऐसे निकाल लिया जाता है। फिर सादा जल से स्नान करा के उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन से उन्हें पीले रंग के, आपको जो भी अच्छा लगता है, देखिए कलर सारे शुभ होते हैं, कलर में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, बट आप पीले रंग का पहनाना चाहते तो पहना सकते हैं, क्योंकि पीताम्बरी विशेषकर ठाकुर जी को पसंद है, तो आप पीले रंग के जो है वो वस्त्र पहना कर, और उनको इसी दिन से नजर बट्टू भी लगाया जाता है, तो काजल लगा के नजर का लिए जो है वो हाथों में उनके पहना के, जैसे नहीं काले मोती होते हैं हाथों में पहनाते हैं, दोनों तरफ गले में हम पहना सकते हैं, कमर में भी पहना सकते हैं, इस तरीके से पहना के छठी पे अगर आप विशेषकर उन्हें कोई और चीज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम उनकी छठी की रस्म को पूरा करते हैं। पहले उन्हें दूध में नहलाते हैं, दूध में नहला के सादा जल से नहलाते हैं, गंगा जल युक्त तुलसी के दल से, और उसके बाद हम उन्हें अच्छे से पोंछ के एकदम साफ नए वस्त्र पहनाते हैं। नए वस्त्र पहनाने के बाद हाथों में हम नजर बट्टू वगैरह पहनाते हैं, काजल लगाते हैं,
लगाते हैं और एक छोटे से कलश की स्थापना जरूर कर लें। पहले गणेश जी का आवाहन कर लें, एक कलश की स्थापना कर लें, उसके बाद जो दूध में नहलाने वाली प्रक्रिया है उसको करें। उसके बाद आप उन्हें वस्त्र पहनाएं। वस्त्र धारण कराने के बाद, काजल वाजल लगाने के बाद उनको उनके स्थान पर बैठा दें और इस दिन से पक्के अनाज का भोग लग जाता है। बहुत सारी जगह अलग अलग परंपराएं, कुछ लोग कच्चा भोजन बनाते हैं, कुछ लोग पक्का भोजन बनाते हैं। हमारे यहाँ विशेषकर कच्चा भोजन बनता है, जैसे कि बेसन की कढ़ी, रोटी, चावल, आलू की सब्जी, पापड़, मिर्ची तल देते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ, मैंने कहने का मतलब, भोजन बनता है। आपके यहाँ जैसे भी बनता है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस टाइप का भोजन बना के हम अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा थोड़ा करके भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद हम उनकी आरती करते हैं। आरती करने के बाद निछावर करते हैं। निछावर करने के बाद नज़र उतारते हैं और उनको उनके स्थान पर स्थापित कर देते हैं और दैनिक पूजा यहीं से हम उनकी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं। छठी मनाने की अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, जैसे कि पश्चिमी भारत में दूसरी, उत्तरी भारत में दूसरी, दक्षिणी भारत में दूसरी, पूर्वी भारत में दूसरी। तो आपके यहाँ जिस परंपरा के साथ छठी मनाई जाती है आप उसी परंपरा को फॉलो करें। बेसिकली मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, ये तरीका हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, मैंने अपने यहाँ का बता दिया। आपके यहाँ अगर जैसे कोई तरीका मान लो यही है, खाने पीने में थोड़ा परिवर्तन है, जैसे कहीं कहीं पक्का भोजन बनता है, सब्जी पूड़ी ये सब, अगर आपके यहाँ ये बनता है तो आप ये बना के इसका भोग लगाइए, साथ में फल का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगा लीजिए। और निछावर ऐसे पैसे हम उनकी तरफ घुमा के, वो पैसे फिर हम घर में नहीं रखते, किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर देते हैं। ठीक है? तो आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या आपको जो ठीक लगे आप ऐसे व्यक्ति को जरूर दें जिसको उसकी जरूरत हो, है ना। और जो दूध बचता है उस दूध को आप प्रसाद के रूप में घर में सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। पेड़ में मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो फट जाएगा ना तो पेड़ खराब कर देगा, तो पेड़ में मत डालिएगा। प्रसाद के रूप में उस दूध को आप सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। जिस थाली से आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है उस थाली से आप जो है स्वयं अपने लिए भी भोग निकाल सकते हैं। अब छठी किस दिन मनाएंगे? देखिए, जिस दिन हम जन्माष्टमी मनाते, क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिन की होती है, गृहस्थ वालों की अलग होती है और साधु संतों की अलग होती है। तो आप जिस भी हिसाब से जन्माष्टमी मना रहे हैं, जो भी मतलब आप हिसाब रख रहे हैं जन्माष्टमी मनाने का, आज मनाएंगे तो इसके ठीक छठवें दिन छठी होगी, जो कल मनाएगा वो उसके ठीक छठवें दिन छठी मनाएगा। तो इसके लिए किसी विशेष डेट की आवश्यकता नहीं, जिस दिन लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उससे ठीक छठवें दिन हम जो है वो जन्माष्टमी मनाएंगे। जैसे कि बेसिकली जोड़ लेते हैं, 1 तारीख को जन्म हुआ तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम 6 तारीख को छठी मनाएंगे। अगर 2 तारीख को जन्म हुआ है तो फिर हम 7 तारीख को छठी मनाएंगे। 6 दिन के अंदर हमें छठी का प्रोग्राम जो है वो करते हैं। बाकायदा शाम में आप आरती वगैरह करके, पूजा पाठ करके, और कुछ चाहे तो भजन का प्रोग्राम रख सकते हैं, कीर्तन का प्रोग्राम रख सकते हैं, संगीत का प्रोग्राम रख सकते हैं, जो भी आपको मतलब उचित लगता है, जो भी आपकी सुविधा अनुसार है। और छठी का उत्सव देखिए कैसा उत्सव है, लगभग सब जगह मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। जैसे कुछ लोगों को कमेंट आता है कि हम क्यों करते हैं ये सब, वो तो भगवान है, एक बार उन्होंने अवतार ले लिया। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो परंपराएं हैं उन्हें बनाए रखें, उन्हें याद रखें, उन्हें भूल ना जाएं। वो भगवान है, विशेष है हमारे लिए, वो कोई आम इंसान नहीं है कि आज पैदा हुए, हमने एक दिन छठी मनाई, जन्मदिन मनाया और बस उनकी मृत्यु हो गई और हम भूल गए। अब क्या करना, उनकी छठी मना के भाई वो तो जन्म लिया था, उनकी तो मृत्यु हो गई, अब तो क्या करेंगे सब जान के। तो ऐसा नहीं है, वो हमारे ईस्ट हैं और हम उनके जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, वो सब बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से। मतलब दिल में एक अलग सी उमंग होती है इस त्यौहार के प्रति, एक अलग सी आकांक्षा होती है, अलग अलग भावनाएँ होती हैं। तो सब अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे होते हैं, अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से अपना फेस्टिवल मना रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे पास किसी को कमेंट आते हैं कि क्या, मेरे पास जन्माष्टमी बहुत कमेंट आने लगता है, क्या जरूरत है इनका जन्म करवाने की, ये है और वो है और फला है और डिका है और ये और वो। अच्छा, किसी लोगों का कमेंट आया था, बड़ा पॉजिटिव सा कमेंट है, बताऊँ, किसी का कमेंट आया था, दीदी हम लड्डू गोपाल का जन्म नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, कहने का तो जन्मदिन मनाते हैं, तो क्या हमें भी छठी मनानी होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने जन्म नहीं करवाया तो गलती से ऐसा काम मत करिएगा। अगर आपने सिर्फ जन्म उत्सव मनाया है तो बस आप ठीक है, फिर आपने जन्म उत्सव मनाया, भाई जब बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो जन्मदिन के बाद हम छठी नहीं मनाते हैं। तो अगर जन्म करवाया है तो ही आप छठी मनाइएगा, और जन्म नहीं करवाया है, सिर्फ जन्म उत्सव करवाया है, जन्म उत्सव मनाया है आपने, तो फिर आपको छठी मनाने की आवश्यकता
नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ रेड गोपाल की छठी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।